हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, ट्यूटोरियल लीडर में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल क्लियर किया था गंगा बेसिन, ठीक है, और हमारा नेक्स्ट बेसिन है जो है ना वो है ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब मैं आपको ब्रह्मपुत्रा बेसिन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और आपको वीडियो ध्यान से सुनना। और फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है। जो भी चीज मैं नोट कराऊंगा ना, जो भी चीज मैं बताऊंगा ना, आप लोग इसे नोट करते चलना, ठीक है फ्रेंड्स। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, ये जो हमारा है ना ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है, एक रफ मैप बना दिया मैंने यहाँ पे। ये हमारा है ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ये हमारा तिब्बत है, ठीक है। तिब्बत में है मानसरोवर लेक, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा तिब्बत है, मानसरोवर लेक है, ठीक है। यहां से ना ये नदी निकलती है, ठीक है। यहां पे एक हिमनद है, हिमनद बोले तो ग्लेशियर है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका चामयुंगडुंग हिमनद, ठीक है। यहां से जो नदी निकल रही है ना ब्रह्मपुत्र, चामयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत मानसरोवर लेक के अंदर, ठीक है। फिर यहां से ये नदी आती है, इधर आपका अरुणाचल प्रदेश है कहीं, ठीक है, एपी है, और यहां से ना ये ऐसे दिबांग घाटी होते हुए ऐसे निकल जाती है, ठीक है, और फिर फाइनली आके यहाँ पे मिल जाती है गंगा से, ठीक है। फाइनली गंगा से मिल जाती है, और देखो बताता हूँ, गंगा जो नदी है ना, यहाँ पे एक रफ मैप बनाया हूँ, देखो बताता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो गंगा नदी है ना, जो बांग्लादेश में इंटर करती है ना, उसको पद्मा बोला जाता है, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी ना, जैसे इंटर करती है कहाँ, बांग्लादेश में, ठीक है, उसको जमुना बोला जाता है। जब ये दोनों नदियां यहाँ मिल जाती है ना, तो इस दोनों नदी को बोला जाता है बांग्लादेश में मेघना, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने गंगा बेसिन में आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। फिर दोनों नदी, गंगा और ये ब्रह्मपुत्रा, मेघना के नाम से प्रसिद्ध होती है, और एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये यहां से ही डेल्टा बनाना स्टार्ट करती है, फिर फाइनली जाके बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है फ्रेंड्स। सुंदरी पेड़ यहाँ पाया जाता है, इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा नाम दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स इसको, ठीक है। तो हमारा जो हम पढ़ेंगे ना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है ना 2900 किलोमीटर, और आपको बताया था ना, देखो यहां से एक और नदी निकलती है, कौन सी, इंडस नदी, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों की दोनों का जो सोर्सेस है ना वो सेम है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का सोर्सेस सेम है, और अप्रोक्स जो लेंथ है ना, लंबाई है ना, वो भी इन दोनों का सेम है। तो इससे आप लोग याद रखना, ब्रह्मपुत्रा और इंडस एक साथ निकलती है, ठीक है, एक ही जगह से निकलती है, और अप्रोक्स जो उन लोगों का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, अप्रोक्स सेम ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, ब्रह्मपुत्रा नदी को ना टोटल लंबाई इसकी है 2900, ठीक है, 2900 किलोमीटर, यहां पे नोट कर लेना आप लोग। ये इसका जो सोर्स है ना फ्रेंड्स, चामयुंगडुंग हिमनद, ठीक है, चामयुंगडुंग ग्लेशियर, लेक मानसरोवर, ठीक है, नियर लेक मानसरोवर, ठीक है फ्रेंड्स। और एक इसमें नोट लिख लेना, ये विश्व की ना चौथी सबसे बड़ी नदी है। आपको पता है फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको मैंने बताया था गंगा, ठीक है। बट अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे ना एग्जाम में कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, ठीक है, हम लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि गलतियां कर बैठते हैं। मैं आपको आज क्लियर करा देता हूं, आप लोग इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखो, बड़ी, ये बड़ी हुआ और लंबी, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, ये भारत में ना बस 9 से 16 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है, बट हमारी जो गंगा है ना, भारत में टोटल 25 से 10 किलोमीटर बहती है, तो इसलिए इसको लॉन्गेस्ट रिवर बोला जाता है, ठीक है। जो हमारी गंगा नदी है ना, भारत में 25 से 10 किलोमीटर या 25 से 25 किलोमीटर बोल लो, ठीक है, यही तो है ना, अभी 25 से 25 किलोमीटर ही मानो इसको, ठीक है, 25 से 25 किलोमीटर बहती है हमारी गंगा, और ये कितना बहती है, ये 916 किलोमीटर बहती है, जैसे कि 709 किलोमीटर इंडस बहती है, लंबाई 2880 है, लेकिन भारत में कितना बहती है इंडस नदी, 709 किलोमीटर, वैसे ही ना ये भारत में बस 916 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है, हमारी ब्रह्मपुत्रा नदी। लेकिन क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है। आप लोगों में से बहुत लोग आसाम गए होंगे, ठीक है, वहां पे इसकी जो धारा है ना, आप लोग देखे होंगे, इसमें का पानी देखे होंगे फिर, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए वाई वॉल्यूम इसको बोला जाता है भारत की सबसे बड़ी नदी, मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। और गंगा क्या है, सबसे लंबी नदी है बाई लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स, यही अंतर है दोनों में, आप लोगों से अब फिर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
इसमें पानी ज्यादा है और ये सबसे लंबी नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो और नेक्स्ट बता दूं, इन इंडिया इट्स फॉलोज फॉर 916 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहां पे लिख दिया है। और देखो लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो निकलती है चामिंगडुंग हिमनद से निकलती है, और फ्रेंड्स देखो ये तो निकलती है तिब्बत से, जैसे कि सतलज नदी को भी तिब्बत में कुछ कहा जाता था, इंडस रिवर को भी कहा जाता था, वैसे ही ना ये तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में इसको बोला जाता है टांगसपो नदी, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है? टिसांगपो नदी बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जैसे ही चाइना में जाके जाती है ना, फिर चाइना होके आती है, तो फिर चाइना में इसको बोला जाता है यारलुंग गाल्पो, ठीक है फ्रेंड्स, यारलुंग गाल्पो बोला जाता है, कहां पे? चाइना में बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में आती है इधर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिबांग नदी, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि दिबांग घाटी होते हुए आती है। और नेक्स्ट है आपका बांग्लादेश, आपको बताया ना बांग्लादेश में, यहाँ पे बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रसिद्ध होती है, और फिर जब ज्वाइंट होती है गंगा से तो मेघना के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप लोग नोट कर लो, फिर आगे मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। फ्रेंड्स जब ये इंडिया में ना यहां से आती है ना, तो भारत में इंटर करती है, ठीक है, भारत में इंटर करती है, तो इसको क्या बोला जाता है, किस कहां से इंटर करती है? तो ये भारत में ना यांग याप पास से निकलती है, ठीक है, यांग याप पास भारत में इंटर करती है, इन इंडिया यांग याप पास, मैं यहां पे हिंदी में लिखता हूं यांग याप पास, यांग्याप पास मतलब यांग्याप दर्रा से ये इंटर करती है, भारत में जो इंटर करती है ना यांग्याप पास से इंटर करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पे मैं लिख देता हूं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो सहायक नदी है ना उसके बारे में मैं लिख देता हूं, इसकी सहायक नदी के बारे में लिख लो आप लोग। पहला लिखना यहां पर आप लोग दिबांग, दूसरा लिखना यहां पे लोहित, फ्रेंड्स लोहित ब्रिज, ठीक है, लोहित नदी। आपको लोहित नदी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे भारत की ना सबसे बड़ा जो ब्रिज कौन सा है, आप लोग बोलोगे गांधी सेतु जो पटना में है, ठीक है फ्रेंड्स, नहीं, अभी जो नया बना हुआ है ना वो ढोला सादिया ब्रिज है, ठीक है फ्रेंड्स, ढोला सादिया ब्रिज लोहित नदी पे जो बना हुआ है ना, इस पे लिख देता हूं, नोट में लिख लेना आप लोग, यहां पे नोट में लिख लेना, जो ढोला सादिया ब्रिज है ना फ्रेंड्स, ये ढोला सादिया ब्रिज, ठीक है, इसको आपको एक और नाम दिया गया भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है फ्रेंड्स, ये भूपेन हजारिका ब्रिज भी इसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ढोला सादिया ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज बोला जाता है इसको, किसको सॉरी जो लोहित नदी में बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो टोटल लंबाई है ना 9 किलोमीटर और 150 मीटर, ठीक है, 9.15 किलोमीटर बोल सकते हो इसको, 9.15 किलोमीटर मतलब 9150 मीटर, इसको मीटर में बोलना है तो ठीक है, 9150 मीटर यानी 9.15 मीटर ये जो टोटल ब्रिज की लंबाई है, ठीक है फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट इसकी सहायक नदी है ना, यहां लिख लो तिस्ता, मैंने यहां फिगर में बताया है, यहां पे तिस्ता यहां से निकलती है, ठीक है, सिक्किम से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स, तिस्ता, तिस्ता नदी। अब तिस्ता नदी के बारे में आपको मैं बता देता हूं, तिस्ता नदी है ना फ्रेंड्स जो सिक्किम से निकलती है, ये सिक्किम से निकलती है, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल लेंथ इसकी जो है ना 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर, तो तिस्ता नदी की टोटल लंबाई है 315 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट नदी है जो फ्रेंड्स आपकी बराक, ठीक है, चाय के लिए प्रसिद्ध है बराक घाटी, आपको क्वेश्चन पूछता है ना हमेशा, जो बराक घाटी है ना किसके लिए प्रसिद्ध है,
वशम है और चाय के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपकी जो रिवर है ना मानस, जलढाका, फिर यहां मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स तो सातवीं नदी है ना, देखो यहां पे लिखा हुआ है ना सुबानसिरी नदी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया सरकार की, यानी दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारी। ठीक है, इस पे जो हमारी दो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एक है सुबनसरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश की संयुक्त प्रोजेक्ट्स है। कौन? सुबनसरी प्रोजेक्ट्स। इस पे जो प्रोजेक्ट्स है ना, पहला है सुबनसरी प्रोजेक्ट, किस किस में है? असम, असम और अरुणाचल प्रदेश। और नेक्स्ट टू प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स इस पे, दिबांग प्रोजेक्ट्स। परियोजना, ठीक है फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है, सब लोग लिख लो। सुबनसरी प्रोजेक्ट है ना फ्रेंड्स, देखो इसकी सहायक नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो इस पे ना इसी पे बना हुआ है, सुबनसरी नदी पे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुबनसरी नदी पे बना हुआ है। कौन सा? सुबनसरी प्रोजेक्ट। यहाँ पे नोट में फ्रेंड्स एक चीज लिख लेना आप लोग, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआई नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, आप लोग को पता है ना कि विश्व का सबसे बड़ा रिवर जो नदी द्वारा बनाया हुआ आइलैंड है कौन सा है? वो इंडिया में है। ठीक है, वो इंडिया में है, माजुली आइलैंड बोला जाता है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे लिख लो आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोल सकते हैं इसको, नदी द्वीप, रिवर आइलैंड। ठीक है, रिवर आइलैंड कौन सा है? माजुली आइलैंड बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है माजुली द्वीप बोल सकते हो इसको आप लोग, या आइलैंड। ठीक है, माजुली आइलैंड, द्वीप को ही आइलैंड बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो टोटल एरिया है ना, इसकी टोटल एरिया यहां पे लिख देता हूं, जो टोटल क्षेत्रफल है ना 1500 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, 1500 किलोमीटर स्क्वायर है। लंबाई और चौड़ाई के अगर अनुपात लोगे आप लोग, 72 × 22 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल इसका एरिया है। एक्चुअली देखो 1500 किलोमीटर स्क्वायर ना बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, और ये असम में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो असम गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली असम गवर्नमेंट ने इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप लोग, असम गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना आप लोग, ये असम गवर्नमेंट ने ना इसको जिला घोषित किया है। कौन सा? माजुली द्वीप को ना वहां असम में ना जिला घोषित किया गया है। ठीक है, ये जिला है, कौन सा? माजुली। माजुली द्वीप क्या है? एक जिला है। ठीक है फ्रेंड्स, माजुली द्वीप एक जिला घोषित हो गया है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसकी जो प्रोजेक्ट्स, एक और दो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो नेशनल वाटरवे 2, इसको बोला जाता है नेशनल वाटरवे 2, NWW2। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है ना 916 किलोमीटर। कितनी लंबाई है फ्रेंड्स इसकी? सॉरी, 891 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई है ना 891 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहां से कहां तक है? शादिया टू ध्रुवी, टोटल है सादिया से ध्रुवी तक, सादिया से ध्रुवी। आपको जो सादिया है ना अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं अरुणाचल प्रदेश, ध्रुवी क्या है? असम में है। ठीक है, असम। और फिर एक और चीज पता ही आपको, इस पे एक सुंदरबन का डेल्टा ये नदी बनाती है, इसी मैंने तो बता ही दिया यहां पे आपको। ठीक है, ये सुंदरबन का जो डेल्टा बना हुआ है यहां पे,
ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हटके ना कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हटके ना कहीं से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और फ्रेंड्स देखो, आपको कोई भी दिक्कत है ना इस रिवर सिस्टम में, मतलब इंडस बेसिन में कोई भी प्रॉब्लम्स होता है ना, आप लोग कमेंट करना, मैं आपको यहां से रिप्लाई करूंगा और जो भी सोल्यूशन होगा मैं आपको दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मैं आपको अगले वीडियो में ना पेरेंट्स रिवर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।